आपका बच्चा घर से स्कूल के लिए निकलता है, जिस वाहन में वो जाता है वो वाहन आपके बच्चे के हित में कितना सिक्योर है, कितना आपका बच्चा उस वाहन में सुरक्षित है, इन सब बातों को आज उन बातों की जमीन हरक हकीकत परखने के लिए आज उपसंभागीय परिवहन अधिकारी विनय पांडे आज हमराहियों के साथ सड़क पर उतरे। जालौन कोतवाली क्षेत्र के जालौन नगर में देवनगर चौराहे के पास उन्होंने स्कूली बसों को चेक किया और कई गाड़ियां ऐसी मिली जहां पर किसी भी मानक का जो है अनुपालन सुरक्षित नहीं था। 3 वाहन उन्होंने इस दौरान जब्त किए हैं। एक तो वाहन बस है, नई बस थी, उसमें परमिट ही नहीं था। एक और बस थी, उसकी फिटनेस नहीं थी। और एक इको गाड़ी जो किसी भी हालत में इस लायक नहीं थी जहां बच्चों का परिवहन कराया जा सके, वो गाड़ी भी उन्होंने जब्त की। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में उपसंभागीय परिवहन अधिकारी विनय पांडे ने हमसे कहा, हमारे चैनल के माध्यम से अपील भी उन्होंने की कि देखिए वाहन जिस विद्यालय में लगा है, आप अपने बच्चे का एडमिशन जिस विद्यालय में कराने जा रहे हैं उस विद्यालय में आप पहले सुनिश्चित कर लें कि जिस वाहन से आपका बेटा या बेटी आपके अनमोल धरोहर वहाँ विद्यालय में जा रही है तो वो कितना सुरक्षित है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही झांसी कानपुर राजमार्ग पर रामश्री स्कूल की एक बस दुर्घटनाग्रस्त होकर खंडक पर जा गिरी थी और उसमें लगभग 2 दर्जन से ऊपर बच्चे थे, सबके सब घायल हुए थे। हालांकि खंडक में पानी था इसलिए बड़ी घटना टल गई थी, कोई जानहानि नहीं हुई थी। और कुछ साल पहले की अगर हम बात करें तो MR जयपुरिया स्कूल की बस जालौन उड़ई मार्ग पर 7 मील के पास दुर्घटनाग्रस्त हुई थी जिसमें लगभग 45 के आसपास बच्चे थे। हालांकि जनहानि उसमें भी नहीं हुई थी लेकिन उसमें बच्चे काफ़ी ज़्यादा घायल हुए थे। तो कहीं ना कहीं सवाल बच्चों की सुरक्षा का और उन्हीं बच्चों की सुरक्षा को जो है पुख्ता करने और सुरक्षा का सुनिश्चित इंतजाम करने के लिए आज उपसंभागीय परिवहन अधिकारी विनय पांडे ने ये कानूनी हंटर चलाया है। फिलहाल 3 वाहनों को जालौन कोतवाली में दाखिल कराया गया है और आज जुर्माने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। विशेष सड़क सुरक्षा पखवाड़ा 17 जुलाई से 31 जुलाई तक चलाया गया जी। इसमें स्कूली वाहनों को विशेषकर जो जिले के अंतर्गत संचालित हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। इसमें ये देखा जा रहा है कि कोई भी वाहन बिना फिटनेस के मानक के विपरीत या ओवरलोडिंग में बच्चों को ज़्यादा न बैठा करके चल रहा हो, इसकी चेकिंग की जा रही है जी। और आज 3रा दिन है हम लोग अभियान चला रहे हैं स्कूली वाहनों के खिलाफ जी। इसमें अभी आज मुख्य रूप से हमने करीब 50 वाहनों को चेक किया है जी, जिसमें से 3 वाहन ऐसे हैं जो उन मानकों को पूरा नहीं कर रहे हैं। पहला तो बिना परमिट की एक बस संचालित हो रही थी, एक बिना फिटनेस की बस संचालित हो रही थी, एक हरियाणा नंबर की इको गाड़ी है जिसका स्कूली वाहन में रजिस्ट्रेशन और परमिट दोनों नहीं मिला है। जीवन के सपनों को करे साकार, बेहतर शिक्षा ही है तरक्की का आधार। शिक्षा के साथ देश को बढ़ाएं उन्नति के मार्ग पर, यही है हमारे संस्कार। श्री रावतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आरी उन्नाव बालाजी मार्ग झांसी। एम फार्मा, बी फार्मा, डी फार्मा, नर्सिंग, बीएड, डीएलएड, बीए, आईटीआई के साथ कई प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए आज ही एडमिशन ले। भोजला मंडी के पास उन्नाव बालाजी मार्ग ग्राम आरी झांसी। शिक्षा संस्कार समर्पण। हमारा संपर्क नंबर है 70 68 28 0627।